हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स बाय डॉक्टर सुमित दैया। तो आज हम करते हैं ट्रैवल फ्रेजल वर्ब्स, मतलब कि जो फ्रेजल वर्ब्स हम ट्रैवलिंग के टाइम पर यूज़ करते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम कर रहे हैं सेट आउट। सेट आउट का मतलब क्या होता है? स्टार्ट अ जर्नी, कोई भी यात्रा शुरू करना, स्पेशली लंबी यात्रा शुरू करना। एग्जाम्पल देखते हैं। They set out on the last stage of their journey. Clear? So next जो phrasal verb है speed up. Speed up का मतलब होता है increase speed, speed बढ़ा लेना. Can you try and speed things up a bit? क्या तुम try कर सकते हो और चीज़ों को क्या थोड़ा सा speed बढ़ा सकते हो? Next phrasal verb is look around. Look around मतलब explore. What is near you in your area? For example, people came out of their houses and looked around. Drop off. Drop off का मतलब क्या होता है? Take someone to a place and leave them there. I will drop you off on my way home. मतलब कि मैं आपको अपने रास्ते पे जब मैं घर जा रहा हूँगा तो छोड़ दूँगा. Take off. When a plane departs or leaves the ground, जब एरोप्लेन जो है ग्राउंड से जो है छोड़ देता है ग्राउंड को और ऊपर उठता है तो उसको बोलते हैं टेक ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेन टुक ऑफ एन आवर लेट। चेक इन। चेक इन का मतलब अराइव एंड रजिस्टर एट अ होटल और एयरपोर्ट। For example, please check in at least an hour before departure. Next phrasal verb is get off. Leave a bus, train, plane, etc. We get off at the next station. मतलब कि next station पर हम bus, train छोड़ देंगे। Plane के लिए तो खैर get off हम station वाला sentence use नहीं करेंगे। Check out. Leave the hotel after paying. Pay करने के बाद बिल वगैरह और होटल को छोड़ देने को चेकआउट कहते हैं। We checked out at noon. मतलब कि दोपहर के समय हमने जो है होटल की पेमेंट की और वहाँ से हमने उसको छोड़ दिया। Hold up. Hold up का मतलब delay when traveling. Traveling के टाइम पर देरी हो जाना। For example, sorry, I am late. I was held up at work. Next phrasal verb is get in. Get in का मतलब arrive करना train या plane में. The train got in late. तो जो arrive करती है, आ जाना मतलब कि train जो है वो आने में उसने late कर दिया. Set off. Start a journey. We set off for Paris just after 10. मतलब कि हमने पेरिस की जर्नी जो है वो 10 बजे के बाद शुरू कर दी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज सी ऑफ। सी ऑफ का मतलब क्या होता है? गो टू द एयरपोर्ट और स्टेशन टू से गुड बाय टू समवन। किसी को गुड बाय कहना एयरपोर्ट पे या स्टेशन पर जाकर, उसको कहते हैं सी ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव गॉन टू द एयरपोर्ट to see their son off. वो एयरपोर्ट पर गए थे अपने बेटे को गुड बाय कहने के लिए। तो ये थी आज हमारी ट्रैवलिंग फ्रेजल वर्ब्स। और आप और वीडियोस देखते रहें, नई नई जो है ग्रामर की हम सीरीज़ लाते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू।